Please subscribe our YouTube channel Quality Perfect India and hit the bell icon for the latest update. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जगदीश प्रसाद और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल क्वालिटी परफेक्ट इंडिया। दोस्तों, इस चैनल पे आप सभी को स्वागत है, अभिनंदन है। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है क्वालिटी सर्किल। क्वालिटी सर्किल जो कि जापान से स्टार्ट हुआ और आज के समय में पूरे वर्ल्ड में लगभग हर ऑर्गेनाइजेशन में आपको क्वालिटी सर्किल टीम देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, क्वालिटी सर्किल के बारे में आज मैं आपके साथ हूँ, बने रहिए मेरे साथ। सबसे पहले हम इस सेशन में हम बात करेंगे कि क्वालिटी सर्किल होता क्या है, उसके बाद हम बात करेंगे कि क्वालिटी सर्किल का हिस्ट्री क्या है, और उसके बाद हम बात करेंगे कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में क्वालिटी सर्किल का टीम अगर बनानी है तो कैसे बनाया जाता है। फोर्थ में हम बात करेंगे कि क्वालिटी सर्किल का मेथोडोलॉजी क्या होता है, यानी कि अगर कोई प्रॉब्लम क्वालिटी से रिलेटेड है तो उसके कितने स्टेप्स होते हैं, ये बात करेंगे मेथोडोलॉजी में। और लास्ट में हम बात करेंगे कि क्वालिटी सर्किल अगर टीम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही है तो उसका बेनिफिट क्या होता है, इसमें हम बात करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या बेनिफिट होता है, उसके बाद हम बात करेंगे कि उसमें काम करने वाले कर्मचारियों का क्या क्या बेनिफिट हो सकता है क्वालिटी सर्किल के अगर टीम बनती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो दोस्तों, यदि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में क्वालिटी सर्किल टीम बनाना चाहते हैं और उससे बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आप मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्वालिटी सर्किल होता क्या है। क्या हो गया, क्वालिटी सर्किल इम्प्लाइयों का एक छोटा सा ग्रुप है जो कि अपने अपने डिपार्टमेंट के क्वालिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं और उसको रिजॉल्व करते हैं। अगर हम बात करें हिस्ट्री का, तो क्वालिटी सर्किल जो है सबसे पहले स्टार्ट हुआ था जापान में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापान के कंपनियों का स्थिति जो है वो सही नहीं थी। इसमें हुआ क्या था, अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर में बम जब गिराया था तो वहां की इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत ही खराब हो गई थी। कंपनियां क्वालिटी से रिलेटेड जूझ रही थी, प्रॉब्लम फेस कर रही थी। उसी समय अमेरिका से एक आदमी को बुलाया गया था जिसका नाम है डॉक्टर डब्ल्यू एडवर्ड डेमिंग। उनको बुलाया गया, वहां की क्वालिटी प्रोडक्ट का, जो कंपनियों की प्रोडक्ट हुआ करते थे उसकी क्वालिटी सुधारने के लिए डॉक्टर डब्ल्यू एडवर्ड डेमिंग को बुलाया गया। और अगर हम बात करें क्वालिटी सर्किल आइडिया का, तो उन्होंने ही दिया था सबसे पहले जापान में 1950 ईस्वी में। इस आइडिया को उसके बाद प्रोफेसर इशिकावा ने जापान में एक्सपेंड किया। और सबसे पहले अगर हम बात करें कि क्वालिटी सर्किल स्टार्ट हुआ था जापान के एक कंपनी थी जिसका नाम था निप्पॉन वायरलेस एंड टेलीग्राफ कंपनी, उस एडिया को उन्होंने इंप्लीमेंट किया अपने कंपनी के अंतर्गत। उसके बाद एक साल के अंदर जापान में 35 कंपनियों ने इसका फॉलो करना शुरू किया और उसे बेनिफिट लिया। और आज के समय में पूरे वर्ल्ड में जापान जो है क्वालिटी के मामले में नंबर वन। अगर हम इंडिया की बात करें तो सबसे पहले यह इंट्रोड्यूस हुआ था BHEL रामचंद्रपुरम हैदराबाद में 1981 ईस्वी में। 1982 ईस्वी में क्वालिटी सर्किल फॉर्म ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ जो कि QCFI के नाम से जाना जाता है। और आज के समय में करेंटली वह इंडिया के हर सिटीज में चैप्टर्स कराती है। यदि आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्वालिटी सर्किल टीम है तो उसमें भाग ले सकती है। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि क्वालिटी सर्किल टीम का फॉर्मेशन कैसे किया जाता है। सबसे पहले तो आपको एक टीम बनाना पड़ेगा और उस टीम में इंप्लाई का जो मेंबर्स होंगे वो 6 से 8 होंगे या इससे कम होंगे, इससे ज्यादा नहीं रखा जाता है क्योंकि ज्यादा अगर मेंबर होंगे तो उनको कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और इसमें यह ध्यान रखा जाता है कि डिपार्टमेंट का कम से कम एक आदमी उस डिपार्टमेंट में मेंबर हो, और इसमें वर्कर्स को भी इंक्लूड किया जाता है। और जो वर्कर्स इसमें भाग लेते हैं वह वॉलंटरीली रहते हैं, यानी कि आप जोर जबरदस्ती उनको मेंबर नहीं बना सकते। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद उस मेंबर्स में से आपको एक लीडर सेलेक्ट किया जाता है जो कि उस टीम को लीडिंग कर सके। एक कोऑर्डिनेटर रखा जाता है जो कि कोऑर्डिनेटर जो है यदि कोई डिस्कस होता है उस क्वालिटी प्रॉब्लम को ऊपर मैनेजमेंट में ले जा करके उसको डिस्कस करे। उसके बाद एक फैसिलिटेटर भी रखा जाता है। किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन में केवल कोऑर्डिनेटर ही होते हैं और लीडर होते हैं। अब ये जब टीम जब बन जाती है तो आपको
एक सर्किल का नाम देना पड़ता है। यहाँ पर हमने जागृति फॉर एग्जांपल लिया, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। और जिस दिन स्टार्ट होता है क्वालिटी सर्किल, उस डेट को मेंशन कीजिए, एक रजिस्टर लीजिए, उसमें एक मेंशन कर दीजिए, वर्किंग एरिया डिसाइड कीजिए, मीटिंग डे और टाइम डिसाइड कीजिए, यानी कि आपको एवरी सैटरडे को करना है या डेली करना है, या डिसाइड कर लीजिए मीटिंग वेन्यू, यानी कि कहाँ पे ट्रेनिंग रूम में करना है, कॉन्फ्रेंस रूम में करना है, कोई भी एक जगह आपको सेलेक्ट करना। टीम बन जाने के बाद फिर क्या होता है, ईच मेंबर विल कलेक्ट एंड सबमिट डाटा इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट रिगार्डिंग द प्रॉब्लम टू कोऑर्डिनेटर बिफोर द टीम मीटिंग। मीटिंग को शुरू करने से पहले उसका जो मेंबर जो रहते हैं, जो हर डिपार्टमेंट से लिया गया है, वो एक फॉर्मेट पे जो भी क्वालिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम है कोऑर्डिनेटर को सबमिट करते हैं, जिस प्रॉब्लम पे हमें डिस्कस करना है। अब आइए दोस्तों हम बात करते हैं कि क्वालिटी सर्किल का मेथोडोलॉजी क्या है, यानी कि यदि कोई प्रॉब्लम हमें रिजॉल्व करना है तो कितने स्टेप्स होते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, आइए इस पे हम डिस्कस करते हैं। इसमें अगर हम बात करें तो टोटल जो है 12 यानी कि 12 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, दूसरा है सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम, तीसरा है डिफाइन द प्रॉब्लम, फोर्थ है एनालाइज ऑफ प्रॉब्लम, फिफ्थ है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, सिक्स्थ है फाइंडिंग ऑफ रूट कॉज, सेवेंथ है डाटा एनालिसिस, एट है डेवलपिंग सॉल्यूशन, नाइन्थ है फोरसीइंग रेसिस्टेंस, टेंथ है ट्रायल इंप्लीमेंटेशन, इलेवेंथ है रेगुलर इंप्लीमेंटेशन और ट्वेल्थ है फॉलो अप एंड रिव्यू। ये जो है 12 स्टेप होते हैं जिसपे हमें किसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना। यह 12th स्टेप जो है PDCA साइकिल पे काम करता है। PDCA साइकिल क्या है, जैसे कि आपको पता होगा प्लान डू चेक एक्ट को PDCA साइकिल कहते हैं। इसमें देखिए 1 से लेकर 3 तक प्लान के रूप में काम करता है, 4, 5, 6, 7 और 8 डू होता है, 9th, 10th चेक होता है और 11th, 12th जो है एक्ट होता है। इस तरह से यह 12 स्टेप जो है PDCA साइकिल पे काम करता है। आइए दोस्तों हम इस स्टेप्स को एक एक करके थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहले है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। इसमें क्या करते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग के द्वारा जो भी प्रॉब्लम है उसको कलेक्ट करते हैं, चाहे वह इन हाउस हो या कस्टमर लाइन का हो या वारंटी से रिलेटेड हो। दूसरा स्टेप है सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम। सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम में जो प्रॉब्लम हमने आइडेंटिफाई किया है उसमें से हम कैटेगराइज करते हैं, यानी कि ABC के द्वारा आप उसको कर सकते हैं। ए का मतलब जो कि अपने से हम सॉल्व कर सकते हैं, बी का मतलब कि अगर प्रॉब्लम है उसको हम दूसरे डिपार्टमेंट के हेल्प से कर सकते हैं, और सी का मतलब है कि हमें मैनेजमेंट के हेल्प से सॉल्व होता है। तो इस तरह से आप प्रॉब्लम को सेलेक्ट कर सकते हैं। तीसरा है डिफाइन द प्रॉब्लम। डिफाइन इसमें तीसरा स्टेप में प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं। फोर्थ है एनालाइज द प्रॉब्लम। इसमें क्या करते हैं कि प्रॉब्लम जो हमें मिला है उसको हम एनालाइज करते हैं। आप इसे 4W1H के द्वारा आप एनालाइज कर सकते हैं, यानी कि व्हाट, व्हेन, वेयर, हु एंड हाउ टू डिटेक्ट। करने का मतलब प्रॉब्लम क्या है, ये कब मिला, कहाँ मिला, कौन इसको डिटेक्ट किया और कैसे किया। इस तरह से आप जो स्टेप 4 है आप उसको कर सकते हैं। फिफ्थ जो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ काउज, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई उसका कारण को पता लगा सकते हैं। इसके लिए आप काउज एंड इफेक्ट डायग्राम को फॉलो कर सकते हैं। काउज एंड इफेक्ट डायग्राम मैं ऑलरेडी 7QC टूल में समझाया, आप उसको देख सकते हैं। सिक्स जो है फाइंडिंग ऑफ रूट काउज, यानी कि आप YY एनालिसिस करके उसका रूट काउज को आप पता लगा सकते हैं। सेवेंथ है डाटा एनालिसिस, यानी कि आप उसको जनरेशन साइड में रूट काउज क्या था प्रॉब्लम का उसमें आप पता लगा सकते हैं। और उसके बाद एट है डेवलपिंग सॉल्यूशन। जब हमारा पता चल जाता है कि प्रॉब्लम क्या है, उसका कारण क्या है, आप उसका सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं सॉल्यूशन को। और नाइन्थ में जो है वह है फोरसीइंग रेसिस्टेंस, यानी कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम फाइंड आउट करते हैं कि कौन कौन सा डिपार्टमेंट से इसकी जरूरत पड़ेगी, किससे हेल्प की जरूरत पड़ेगी। इस तरह से आप उसको 9th स्टेप कंप्लीट कर सकते हैं। 10th में है ट्रायल इंप्लीमेंटेशन, यानी कि जब हमें पता चल जाता है और उस पर हम सॉल्व कर लेते हैं तो उसको हम ट्रायल करके देखते हैं कि हम कितना इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया है, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। उसके बाद रेगुलर इंप्लीमेंटेशन, यानी कि हम लास्ट में हम ये करते हैं कि उसको रेगुलर इंप्लीमेंट कर देते हैं प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाने के बाद। और उसके बाद
ट्वेल्थ में, और लास्ट है कि फॉलो अप एंड रिव्यू। और वो प्रॉब्लम जब रिजॉल्व हो जाता है तो हम उसको रेगुलरली रिव्यू करते रहते हैं कि प्रॉब्लम दोबारा वह ना आए। तो दोस्तों यह क्वालिटी सर्किल मेथोडोलॉजी रहा जो कि 12 स्टेप में करना जरूरी होता है। आशा करता हूं कि आपको ईच एंड एवरी थिंग समझ में आ गया होगा। आइए अब हम बात करते हैं कि बेनिफिट ऑफ क्वालिटी सर्किल। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, प्रोडक्ट और सर्विसेज का क्वालिटी इंप्रूवमेंट होता है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होता है, और जो भी रिवर कॉस्ट या स्क्रैप कॉस्ट है वह कम किया जा सकता है क्वालिटी सर्किल से। अब आइए हम बात करते हैं इंप्लॉय के लिए क्या क्या फायदा है। क्वालिटी सर्किल प्रोवाइड जॉब इंटरेस्ट, या जॉब इंटरेस्ट प्रोवाइड कराता है, और सॉल्विंग कैपेबिलिटीज डेवलप होता है, और इम्प्रूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी, किसी भी इंडिविजुअल का कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी इसमें इम्प्रूवमेंट होता है। और वर्कर जो है, चूंकि इसमें इन्वॉल्वमेंट वर्करों का होता है, ऑपरेटर इम्प्लॉय का होता है, तो डिसीजन मेकिंग करने का इन्वॉल्वमेंट होता है वर्कर से, जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इसमें बात होती है। और एट है रिमूव फ्रस्ट्रेशन ऑफ वर्कर्स, वर्कर्स का जो है फ्रस्ट्रेशन कम किया जा सकता है क्वालिटी सर्किल। तो दोस्तों एक छोटा सा सेशन रहा क्वालिटी सर्किल के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे और भी ज्यादा क्वालिटी सर्किल के बारे में, जिसमें हम स्टडी करेंगे एक एग्जांपल लेकर के, और जो 12th स्टेप हमने बात किया था उसको एक प्रॉब्लम का एग्जांपल लेकर के बात करेंगे, जिससे कि आपका और भी क्लियर कंसेप्ट हो जाए। और यह भी बात करेंगे कि QCFI के द्वारा जो चैप्टर होते हैं इंडिया के हर सिटीज में, उसमें हम कैसे भाग लेंगे, यह सब बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो तक आप सभी से इजाजत चाहता हूं। थैंक यू वेरी मच।